हेलो एवरीवन, आज की कहानी हमारे सबसे प्यारे समोसा जी पर। बचपन से ऐसा ही लगता था कि समोसा तो कोई अपना ही भाई बंधु है। घर से निकलो तो बस दो पैरों की दूरी पर नुक्कड़ की गली का दुकान हो या चौराहे का, ठीक सबसे ऊपर की पंक्ति पर बेसब्री से इंतज़ार करता हुआ समोसा। और आप भी अगर बेसब्र होकर समय से नहीं पहुंचे तो सब समोसे गायब। तो इसका पॉपुलैरिटी का राज क्या है, ये कहां से आया, किन जगहों से दोस्ती करते हुए आ पहुंचा भारत और सबके दिलों में अपनी जगह बना ली, वो कौन थे जिनका हाथ पकड़कर प्रवेश किया भारत में ये समोसा, और इसका सिग्नेचर तिकोना आकार, क्या इसके पीछे भी कोई राज है? क्या ये समोसा नाम हमारे प्यार से दिया हुआ नाम है? इन सब जानी अनजानी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस कहानी की शुरुआत आमिर खुसरो 13 सदी के कवि, संगीतकार और पंडित के एक मज़ेदार सी पहेली के साथ शुरू करेंगे। समोसा क्यों न खाया, जूता क्यों न पहना, और उसका 100% करेक्ट जवाब तल्ला न था। हाँ, आज के इस हेल्थ कॉन्शियस समय में बेक समोसा भी है, मगर तले समोसे की बात तो कुछ अलग ही है। ऐसी मान्यता है कि समोसा का उत्पत्ति या ओरिजिन हुआ था युगों पहले सेंट्रल एशिया में, और इस स्नैक्स ने अपने अस्तित्व को इजिप्ट, लीबिया और कई ऐसे जगहों में प्रसार करते हुए संभवतः प्राचीन व्यापार मार्गों के द्वारा भारत तक का यात्रा तय किया। ऐसा भी दावा किया जाता है कि समोसा का उत्पत्ति स्थल 10वीं सेंचुरी से भी पहले मिडिल ईस्ट है, जहां ये साम्बोसा के नाम से जाना जाता है। मिडिल ईस्ट से शेफ जो दिल्ली सल्तनत शासन के दौरान रोजगार के लिए पलायन कर आए थे भारत, साथ आया था समोसा, जिसने अपने स्वाद पर जल्दी ही इंडियन रॉयलिटी की मोहर लगा ली और जगह बना डाली शाही किचन में। समोसा को ओरिजिनली सामसा कहा जाता है, और ये समोसा सेंट्रल ईस्ट के पिरामिड के आकार के रेफरेंस से मिलता है। समोसा जब विश्व के कई कोनों को छूते हुए यात्रा कर रहा था तो सभी ने इसे बड़े प्यार से अपनाया और नामकरण किया, जैसे सानबुसाज, साम्बुसक, साम्बुसाक, और ये नाम निकाली गई एक पर्शियन शब्द से सानबुसाक। वर्ल्ड तो है ही, अब आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सिर्फ यहाँ पर ही इसके इतने वेरिएशन, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार और उत्तराखंड, ये समोसा के नाम से जाना जाता है, और इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड या फिर ईस्ट इंडिया वर्शन में इसका आकार थोड़ा छोटा होता है, और ये शिंगाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। बंगाल में इसके नमकीन वर्शन के अलावा भी एक मीठा वर्शन है, जो मिष्टी शिंगाड़ा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद में समोसा के एक छोटा सा और अलग वर्शन को लुकमी के नाम से अपनाया गया है। स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में समोसा कुछ पोर्तुगीज पेस्ट्री स्टाइल के होते हैं। इसके प्रसार का एरिया बहुत बड़ा है, ये जहाँ जहाँ गया इसने अपने आप को थोड़ा सा बदल कर लोगों के दिलों में जगह बना ली। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रक्चर एक बाहरी कवरिंग और अंदर एक टेस्टी स्टफिंग या फिलिंग बना रहा, मगर लोगों के मुताबिक बदल गई स्टफिंग के इंग्रेडिएंट्स, कभी नॉन वेज, कभी वेज या फिर कभी मीठा। बदला आकार भी कुछ कुछ जगहों पर, और कभी ये तले गए
या फिर बेक किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जोड़ी बनाने में भी पीछे नहीं था। जैसे समोसा विद चटनी, समोसा विद सलाद, समोसा चाट या फिर दिल्ली के पिज्ज़ा या चाउमीन समोसा, बन समोसा और समोसा पाव। तो कॉलेज कैंटीन से रेलवे स्टेशन तक, नुक्कड़ के गली के मोड़ से फूड कोर्ट तक, हर जगह ये अपना उपस्थिति बना कर रखा है। इसमें कोई दो राह नहीं, स्नैक्स के परिवार का ये सबसे उजला नक्षत्र की तरह है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे गली के दुकान का समोसा मुझे पुकार रहा है। मेरे इलाके का उजला सितारा जल्दी नहीं पहुंची तो गायब। आप भी देर न करें, समोसा एंजॉय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ऐसे ही जानी अनजानी स्टोरी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।